अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आज तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छात्रों को उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो आज तक नहीं हुआ। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस तरीके की ढील, उनके साथ धोखाधड़ी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। बताइए आप, किस तरह का खिलवाड़? खिलवाड़ इस तरह का किया गया है, स्पोर्ट्स कोटे से फर्जी लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट पर एडमिशन दिए गए। हमारे यहाँ पर राइडिंग क्लब और बाकी क्लब हैं, एथलेटिक क्लब है, जिमनेजियम क्लब है, स्केटिंग क्लब है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनका इंटरवर्सिटी होता है उनको आप पहले अलाउ करेंगे, ना कि उनको जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्टिफिकेट होते हैं, एनजीओ द्वारा सर्टिफिकेट होते हैं, उनको इन लोगों ने अलाउ कर दिया है और पूरी तरीके से फर्जी धांधलेबाजी हुई है। तकरीबन कितने स्टूडेंट ऐसे एडमिशन नहीं हुआ है? 50 लोग ऐसे हैं जिनको फर्जी तरीके से काट दिया गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमारी इंतजामिया से यही डिमांड है कि काउंसलिंग जो चालू कर दी गई है वो रुकवा दी जाए, और जो लिस्ट वायरल की गई है उसको पोर्टल से हटाया जाए और नई लिस्ट दोबारा ट्रांसपेरेंसी के साथ, स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट हैं हर गेम का वो वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जो ट्रायल होता है उसमें एक्सपर्टीज आने चाहिए, ना कि कोई भी उठकर आ जाता है और ट्रायल ले जाता है, जिससे ये धोखाधड़ी होती है। तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो? तुम्हारे किसमें एडमिशन होना था? नहीं हुआ। मेरा MSW का दाखिला था, मैंने एग्जाम दिया, ट्रायल दिया, फिर भी मुझे ए ग्रेड के बावजूद मेरा दाखिला काट दिया गया। क्यों भाई? भतीजावाद यहाँ पर चरम सीमा पर पहुंच गया है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। बिल्कुल, मतलब यूनिवर्सिटी का वकार मयार बिल्कुल आसमान से नीचे आ गया है। मेरा वेट लिफ्टिंग गेम है। कहाँ पे खेले हुए? मैं इंटरवर्सिटी खेल चुका हूँ 2 बार। हमारी मांग यही है सेक्रेटरी साहब का इस्तीफा लिया जाए। क्यों? क्योंकि 4 दिन से प्रोटेस्ट, आज से 4 दिन पहले भी हुआ था, अब तक उन्होंने बच्चों से बिल्कुल नहीं पूछा है कि किस वजह से आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हैं सैयद अमजद अली रिजवी साहब, और बिल्कुल भी उन्होंने, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है छात्रों के साथ। अपने OPD में बैठते हैं, अपने जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उन पर जाकर बैठते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या झेलता है तब जाकर वो इंटरवर्सिटी जाता है खेलने के लिए, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना दिया है और फर्जी सर्टिफिकेट के साथ दाखिले दिए। हम लोग नेशनल प्लेयर हैं, हम लोगों को तो मेन प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। अभी तक कितना नेशनल स्टेट खेल चुकी हो? अभी मेरे पास 6 साल, मेरे पास नेशनल स्टेट के हैं, मेरे पास मेडल्स भी हैं, सर्टिफिकेट पूरा प्रूफ। इनफैक्ट हमारे पास अभी जो रिसेंटली चेन्नई में हुआ था, पिछले साल, साल में एक ही दफा होता है ओपन नेशनल और एक मेन नेशनल होता है, उस पे हमारी सिल्वर आया था हमारा, हम 1 पॉइंट से हारे थे बस उसमें। हमें हमारी सीट दी जाए, जो डिजर्विंग है एटलीस्ट उनको तो मिलना चाहिए, जो अनडिजर्विंग है उनको कोई मसला नहीं है। जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? पूरे गेम्स कमेटी को मानती हूँ मैं, हमारे जितने भी अथॉरिटी है जो करने वाले एडमिशन है उनको पूरा जिम्मेदार मानती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा, हमें सीट दी जाए। एक और जो 11th क्लास की है, जो नेशनल्स खेलती है, एना नाम है उसका, मैंने मतलब उसका भी ट्रायल सेम ऐसे ही हुआ है। उसकी सीट एक ऐसे बच्चे को दी गई जिसको लिटरली खड़ा होना भी नहीं आता है, उसको फर्स्ट रैंक पे रखा गया और इस बच्चे को फोर्थ वो चांस में दे दिया गया। आपको नहीं लगता ये चीज गलत है? हम इस चीज को बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हमें हमारे एडमिशन चाहिए, जो हमारा राइट है हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी डिमांड ये है कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की लिस्ट आई है उसमें काफी जो है धांधलेबाजी हुई है, ट्रांसपेरेंसी के तहत उसमें एडमिशन नहीं हुए हैं, नेपोटिज्म के तहत हुए हैं, फेवरेटिज्म के तहत हुए हैं, उसमें जो एक्सपर्टीज बैठे गए थे वो उस पर्टिकुलर गेम से कहीं तक ताल्लुक नहीं था, वो गेस्ट लोग थे जो इधर उधर फैकल्टी से बुलाए गए और उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर बिठाया गया, जिसकी वजह से शायद ना जाने क्यों मार्किंग सही नहीं हुई। और जो लायक स्टूडेंट्स हैं, जो कैप्टन हैं, जो पोस्ट होल्डर हैं गेम्स क्लब में, जिमनेजियम में, उनको अपना एडमिशन सिक्योर करने में दिक्कत आई और अपना हाथ धोने की कगार पे।